अगर आप बैठे हुए हैं बुक के सामने आपको समझ में ही नहीं आ रहा है और आप सोलह सोलह घंटे बुक के सामने बिता रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है मेरा प्रिपरेशन मेनली तो यूपीएससी के लिए था पर जो डिफरेंस समझ में आया यू और यूपी का प्रिलम्स में काफ़ी डिफरेंस रहता है तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि, कि किस पेपर में क्या है अगर आप पेपर देने जाएंगे और आपको यही नहीं पता होगा कि जी एस में कौन सा पेपर है या जी एस में कौन सा पेपर है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गूगल करिए जो भी टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं अपने नोट्स बनाइए और उसको आंसर्स आप ट्राई करिए लिखने की मुझे बहुत शौक था वेब सीरीज वगैरह देखने का तो मैं बीच बीच में देख लेती थी लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी होती थी याद है कि जब फिल्म होता था या मेन्स होता था तो उसके पहले मैं अपना व्हाट्सएप वगैरह सब अनस्टॉल कर देती थी हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम अभिभाष को स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों अभी हम मौजूद है लखनऊ में आज हमारे साथ नित्या गोस्वामी मैम है तो इनका अभी डीएसपी के पोस्ट पर सेवंथ रैंक पे जो है इनका चयन हुआ है अभी जो यूपी पी का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है तो इनका जो है डीएसपी की पोस्ट पर चयन हो तो मैम से आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और साथ साथ इन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे मैम सबसे पहले तो हमारे और हमारे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मैम थैंक यू सो मच थैंक यू मैम आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे Uh, देखिए मेरी स्कूलिंग बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्स में हुई है लेकिन मेरा जो टेंथ और ट्वेल्थ है वो एस डी एंड कॉलेज बहराइच से हुआ है उसके बाद uh, मैंने बी कॉम किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से और फिर मेरा एम ए कम्प्लीट हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी से टू थाउजेंड नाइनटीन में टू थाउजेंड नाइनटीन में ही मैंने यू जी सी नेट क्वालीफाई कर लिया था और उसके बाद से मेरी सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन चल रही है तो ये आपकी जो पूरी जर्नी रही है मतलब मीडियम इसका क्या था इंग्लिश मीडियम जी तो इस बार आपका जो पी का अटैम्प्ट था ये कौन सा था आ, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था ओवरऑल लेकिन मेरा पहला सीरियस अटैम्प्ट था क्योंकि इससे पहले मेरी यू की ही तैयारी चल रही थी तो जो दोनों पहले के फिल्म थे उसमें मतलब बिना पढ़ाई किए हुए देने जाती थी तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं लेकिन ये मेरा पहला सीरियस अटैम्प्ट था पहला मेन्स था मेरी लाइफ का और पहला इंटरव्यू था यह Uh, मैम जैसे कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हाँ हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई अभी तक मतलब क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में देखिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना ये बचपन से ही uh, सोच रखा था फैमिली बैकग्राउंड वगैरह भी है और uh, मतलब बचपन से ही ये डिसाइड कर लिया था कि एंटर तो सिविल सर्विसेज ही करना है तो ये बचपन से ही डिसाइडेड था तो इसके अलावा जैसे कि आप पीसीएस में यहाँ पर अभी सिलेक्ट हो गए तो इसके अलावा आप यूपीएससी मतलब की तैयारी करें जी हाँ भी यूपीएससी की तो? उसके लिए आ, अभी से शुभकामना थैंक यू सो मच तो मैम जैसे की बहुत सारे एक्सपुर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला फेज जो होता है पिलिम्स का होता है यहाँ पे तो पिलिम्स के बारे में आप थोड़ा बताइए कि उसके लिए क्या स्ट्रेटी होनी चाहिए देखिए जैसे मेरा प्रपरेशन मेनली तो यू के लिए था पर जो डिफरेंस समझ में आया यू और यू का प्रिलिम्स में काफ़ी डिफरेंस रहता है क्योंकि यू में काफ़ी मतलब एनालिटिकल पढ़ाई आपको करनी पड़ती है जो यू है वो फैक्चुअल ज़्यादा है तो आपको बेसिक बुक्स वैसे ही करनी है जैसे आप अगर आप यू की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आपको बेसिक बुक्स कुछ लेके चलनी है जो बुक लिस्ट सभी आ, मतलब सारे टॉपर्स बताते हैं तो वो आपको मालूम ही होंगे और वो वो बुक्स आपको करनी है बेसिक्स करने हैं स्टैंडर्ड बुक्स करनी है मॉक्स लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा फैक्चुअल होकर के पढ़ना है एनालिटिकल तो रहना ही है लेकिन फैक्ट्स आपको ज़रूर ध्यान में रखना है तो जी मैम जैसे कि आप अभी एक शब्द बोले फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए तो मतलब वो क्या चीज़ होता है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं टॉपर से तो वो लोग बोलते हैं कि फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए तो मतलब क्या चीज़ होता है वो आप बता दें फैक्चुअल नॉलेज की जैसे कि अगर आप अपने स्टैटिक बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं हिस्ट्री कर रहे हैं जोग्राफी कर रहे हैं तो हम यू में अक्सर मतलब सभी ये बोलते हैं कि आपको डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको नाम वाइस रॉय या कोई भी है तो आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है उनको तो यू पी पी सी एस की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे जो अगर घटना चक्र की बुक उठा करके देखेंगे आप उनसे आपको आप उसी से एनालाइज़ कर लेंगे कि फैक्चुअल का मतलब क्या है आपको डेट्स थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं जो यूजली हम यू पी एस प्रिपरेशन में स्किप कर देते हैं क्योंकि उसमें एनालिसिस ज़्यादा करनी होती है तो आपको उन चीज़ों को इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है तो मैम जैसे कि फिल्म के लिए बहुत सारी बुक्स वगैरह हो होती है मेनली कौन कौन सी बुक एक्सप्रेंस को पढ़नी चाहिए देखिए रिसोर्सेज जितना लिमिटेड रहे उतना अच्छा है ये हर एग्ज़ाम के लिए एप्ट है तो ये यू पी के लिए भी एप्ट है आपको हर एक सब्जेक्ट की एक एक बुक उठा लेनी है बहुत मैक्सिमम ज़्यादा हुआ तो दो तो जैसे हिस्ट्री आप कर रहे हैं तो मेरा जो मतलब था एनशेंट और मिडीवल हिस्ट्री मेरे लिए तमिलनाडु बोर्ड की एन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का उतना कुछ इकोनॉमिक्स क्योंकि ज़्यादातर जो पूछते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड पूछते हैं और बेसिक्स मेरे थे काफ़ी टाइम से क्लियर क्योंकि मेरा कॉमर्स भी बैकग्राउंड रहा है तो वो आप जो है बजट और इको एक, सर्वे ये सब सबसे कर सकते हैं और और इन्वायरमेंट है तो उसके लिए शंकर आई के मेरे पास मतलब मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स थे तो उनसे कवर किया था और और क्या साइंस टेक है तो वो भी आपके ज़्यादातर मतलब यू पी में थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल भी पूछ लेते हैं वो कि आपको एन वगैरह करनी पड़ती हैं लेकिन मैंने उतना किया नहीं था मैंने करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया उसके बाद जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो वो कौन से पब्लिकेशन के जैसे बहुत सारी आती हैं या फिर और भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारी मॉक टेस्ट मैंने दिए थे क्योंकि मेरी साइड बाई साइड प्रिपरेशन यू के लिए भी चल रही थी तो विजन आई के मॉक्स लगाए थे आई बाबा के मॉक्स लगाए थे कुछ कुछ आ, लेकिन अगर आप यू पी स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र की काफ़ी अच्छी होती है तो मैंने वो वो भी देखी थी तो इसके अलावा मैम जो सेकेंड पेपर होता है सी सेट का पेपर होता है तो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहीं पर आती है जीएस तो पास कर जाते हैं लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है तो इसके लिए मतलब आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी Uh, देखिए जो यू पी में सी साट होता है उसमें इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स मैथ्स रीजनिंग ये सब होता है तो अगर आप दो तीन uh, जो टॉपिक्स हैं दो तीन uh, उसके सेक्शंस uh, हैं उन पे मास्टरी कर लेंगे तो इजीली कवर हो जाता है इतना कुछ टफ नहीं होता यूपीएससी का तो थोड़ा स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ता जा रहा है ओवर द इयर्स लेकिन यू पी आई थिंक स्टिल अभी उतना ही मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं है आप अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश uh, मेरी इंग्लिश ठीक थी हिंदी में भी क्वेश्चंस इतने कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो उसके क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका क्योंकि क्वालिफाइंग है तो आप इजिली कवर उसको कर लेंगे तो मैम इसके अलावा जैसे कि करंट अफेयर का पोर्शन जो होता है फिल्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लोग बोलते हैं आते हैं तो मतलब इसके लिए आपने क्या सोर्स वगैरह फॉलो किया था देखिए मेरा तो विजन आई एस का जो मंथली कंपाइलेशन होता है मैंने वो भी किया था क्योंकि मुझे यूपीएससी की भी तैयारी करनी थी पर यू पी पी में मतलब जो मेरा एनालिसिस रहा है अगर आप पिछले कुछ महीने की एक घटना चक्र की आय दृष्टि कर करके कंपाइलेशन आती है अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स अच्छा खासा कंप्लीट अच्छे से हो जाता है मतलब इतना ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं होती है ईयरली कंपाइलेशन होता है अगर आप उनको अच्छे से कर लें उसमें भी फैक्ट्स यही डिफरेंस आ जाता है यू और यू में कि जो फैक्चुअल नॉलेज है फैक्ट्स देखने होते हैं आपको करंट अफेयर्स में तो वो अगर आप ईयरली कंपाइलेशन के कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा तो इसके अलावा जैसे कि न्यूज आते हैं, तो वो आपने फॉलो किया था पढ़ा था आ, मैं पढ़ती थी लेकिन मेरा मतलब इतना रेगुलर नहीं हो पाता था जब यूपीएससी की प्रिपरेशन थी तब तो इंडियन एक्सप्रेस होता था मेरा आ, लेकिन यूपी पी की प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा इम्पॉटेंट नहीं है आपको बस ये है कि आप करंट अफेयर्स से थोड़ा सा अकस्टम रहें आपको आइडिया रहे कि क्या आजकल चल रहा है तो आपको बाद में जब आप ईयरली कंपाइलेशन पढ़ते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इतना अचानक से बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर तो आप उसको फिर ईयरली कंपाइलेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है तो जी मैम तो हम चलेंगे मेंस के एग्जाम की तरफ क्योंकि जब आप पहला स्टेज पार करके मेंस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला पेपर जो होता है वो एसए का होता है शायद तो इसके लिए मतलब आपने क्या सोर्स वगैरह फॉलो किया था एस के लिए कुछ अलग से नहीं किया था जो जीएस के लिए आप पढ़ाई करते हैं तीन एस लिखने होते हैं आपको तीन घंटे में तो जी के पोर्शन में ही आप बस आप जो अपना ऐसे है उसको ये आप मेक अ नोट कि आप उसको मल्टी डायमेंशनल बना रहे हैं आप हर एक जो जी के पेपर्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ एसेंस आप अपने ऐसे में डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके साथ साथ आप थोड़े कोट्स वगैरह डाल सकते हैं उसमें थोड़ा सा उसमें आप आप क्रिएटिव हो सकते हैं और ऐसे के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है मतलब जो मैंने किया था कि पहला कम से कम आधा घंटा आप पीछे रफ पेज होता है उसको लीजिए तीनों ऐसे के कुछ कुछ पॉइंट्स आप अपने मन से टॉपिक लिखिए और ये डिसाइड करिए कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं आप ऐसे ही रफ rough, रफली लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं और जितना मल्टी डायमेंशनल आप अपने ऐसे को बना सकें आप बनाइए और उसके बाद जो है आप उन ऐसे इसको बाकी जो बचा हुआ टाइम रहता है आप उसमें ईजीली कवर कर सकते हैं तो इसके बाद मैम दूसरा जो आपका पेपर होता है वो होता है हिंदी का पेपर होता है तो हिंदी के लिए आपने क्या सोर्सेज वगैरह फॉलो किए थे हिंदी uh, के लिए आप बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं uh, एक बुक मैंने मैंने हिंदी बहुत ही कम पढ़ा था मैंने एग्जाम से पहले खाली एक दो दिन उसको बस ऐसे देख लिया था कि सबसे अच्छा सोर्स मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप देख लीजिए कि एक सेट पैटर्न होता है कि ऐसे लेटर्स आते हैं या जो भी अनुलोम विलोम या जो भी सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं आप उनका एक देख लीजिए कि क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं और उनको कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक उठा करके आप उनका एक पैटर्न देख लीजिए कि कैसे इनको लिखना होता है तो आपका हो जाएगा काम तो इसके बाद मैम जो बात आती है जी की क्योंकि जी एस के यहाँ पर चार पेपर होते हैं तो जी के चारों पेपर के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी साथ ही बुक लिस्ट वगैरह देखिए मेंस की प्रिपरेशन में जो सिलेबस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत इलाबोरेट होता है हर एक पेपर का अच्छे से यू अपना यू की ही तरह डिटेल्ड uh, सिलेबस uh, रहता है तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए कि किस पेपर में क्या है अगर आप पेपर देने जाएंगे और आपको यही नहीं पता होगा कि जी एस में कौन सा पेपर है या जी एस में कौन सा पेपर है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो आप सिलेबस अपना अच्छे से तैयार रखिए और जो भी टॉपिक्स होते हैं कुछ साठ पैंसठ टॉपिक्स टोटल मिला करके होते हैं जीएस की प्रिपरेशन के लिए मेंस के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक पॉइंट जो है उसके लिए कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए और आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जी एस टू में देखें तो उसमें गवर्नेंस है आई आर है पॉलिटी है कुछ कुछ फ्रेंच टॉपिक्स हैं जैसे एस एच जीज वगैरह हैं तो बहुत सारे बच्चे वो सब छोड़ के चले जाते हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत लाइटली ले लेते हैं तो आप लाइटली मत लीजिए हर एक टॉपिक कवर करिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं भले ही आपके पास थोड़ा सा फॉर्डर हो आप उसको इलेबरेट कर ले जाएंगे लेकिन कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है और अगर पेपर बाय पेपर देखें तो जीएस पेपर वन में जो प्रिलम्स की बुक्स थी हिस्ट्री जोग्राफी के लिए वही रहती हैं नॉर्मल जो भी एन हैं या स्पेक्ट्रम वगैरह है ये सब वैसे ही रहेंगी तो यहाँ पे जैसे कि जो हिस्ट्री का पोर्सन होता है यहाँ पे शायद एनशियट या मेडिबल तो नहीं पूछा जाता है आ, नहीं कल्चर का पार्ट होता है वाला होता कल्चर वाला पार्ट होता है तो मेरा मतलब मैंने कुछ साल पहले नितिन सिंह घानिया की बुक करी थी उसके खुद के मेरे पास नोट्स थे तो मैंने वो देख लिया अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप फ़ाइन आर्ट्स की बुक आती है एन की वो भी कर सकते हैं तमिलनाडु बोर्ड की भी एन बहुत अच्छी होती हैं तो कल्चर का आप पोर्शन उससे कवर कर सकते हैं बाकी आप जो भी प्रिलिम्स के लिए बुक ले रहे हैं वही ठीक है उसके अलावा टॉपिक्स कवर करने हैं तो जो सोसाइटी के जो सेक्शंस होते हैं वो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं आपको करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन भी मिलते हैं उसमें भी होते हैं तो उससे कवर कर लीजिए हर एक टॉपिक लेकिन कवर करिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप कवर करिए वो भी तमिलनाडु बोर्ड की ही बुक में पीछे वर्ल्ड हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे पोर्शन है आप उससे कवर कर सकते हैं तो पेपर वन तो ऐसे हो गया था पेपर टू में पॉलिटी गवर्नेंस आई ये सब है तो पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत इज़ सफिशेंट उसके अलावा गवर्नेंस वगैरह ये सब करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है जो भी आप करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ रहे हैं मेरे लिए तो विजन आई एस थी तो विजन के जो भी नोट्स थे ईयरली कंपाइलेशन भी आता था मेंस का भी कंपाइलेशन आता था तो आप उनसे नोट्स बना सकते हैं हर एक टॉपिक का और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहे हैं टॉपिक जिसके भी आपको रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं वो आप सीधे गूगल करिए उसके बारे में थोड़ा बहुत पॉडन निकालिए और अपने नोट्स बना लीजिए उतना हो जाएगा आई आर क्योंकि मेरा पी एस आई आर खुद मेरा ऑप्शनल था तो आई आर में उतनी कुछ दिक्कत हुई नहीं वो भी आप करंट अफेयर से अपना कंप्लीट कर सकते हैं और पेपर uh, थ्री है तो उसमें इकोनॉमी है तो इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड आती है आपको अपने अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप जो भी uh, आज के टाइम में जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ज़रूर देखते रहें तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं बाकी फिर साइंस एंड टेक है तो उसमें भी जो सिलेबस uh, में दिए हुए हैं पॉइंट्स जैसे uh, नैनोटेक है बायोटेक है इन पर आपके पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स होने चाहिए करंट अफेयर्स में अगर करंट में कुछ चल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और इंटरनल सिक्योरिटी है तो ये भी आपका गूगल आप गूगल करिए जो भी टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं अपने नोट्स बनाइए और उसको आंसर्स आप ट्राई करिए लिखने की और डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो इसको भी मैंने गूगल से ही किया था मतलब इसके लिए कुछ अलग से नहीं किया था जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन थे वो और गूगल से उनको आ, मिला कर के किया था और जी एस फोर है तो उसमें एथिक्स का पेपर है तो एथिक्स में इम्पोर्टेंट है कि जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं जो भी क्वालिटीज़ दी हुई हैं आपके पास उनके डेफिनेशन होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है उनका मतलब क्या है उसके बाद जो केस स्टडीज़ होती हैं आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि कैसे लिखना होता है क्या लिखना होता है तो अब जब आप जी फर्स्ट पेपर का बता रही थी तो उसमें तो एक पार्ट होता है क्योंकि जो आपका हिस्ट्री होता है उसके बाद जियोग्राफी का पार्ट होता है तो वो चीज़ आपने कहाँ से कवर की थी जोग्राफी मैंने मेरे खुद के नोट्स थे कुछ पहले के बनाए हुए मैंने गूगल से भी कुछ कुछ यूट्यूब से कुछ क्लासेस की थी फ्री में ही फ्री कंटेंट अवेलेबल होता है तो मेरे पास वो नोट्स बने हुए थे मैंने वो किया था लेकिन प्रिलम्स और मेंस में जोग्रफी में थोड़ा सा सिलेबस का अंतर होता है काफ़ी वेल डिफाइंड सिलेबस होता है तो मैंने क्या किया था मैंने बहुत कम जोग्रफी की भी पढ़ाई की थी क्योंकि जोग्रफी एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था तो मैं गूगल से ही जो भी टॉपिक्स थे या जो मेरे पास बुक्स थी एन वगैरह की जो भी मेरे पास एक दो बुक्स अवेलेबल थी मैंने देखा कि कौन से टॉपिक्स हैं मैंने उनको नोट किया और सिर्फ वही पढ़े और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैंने वो पढ़ा और फिर जोग्राफी का पेपर हो गया मेरा जैसे कि आप अभी बता रही थी कि आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो पीएसआईआर के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी सोर्स वगैरह कहाँ पढ़ा देखिए पॉलिटिकल साइंस का मेरा बैकग्राउंड रहा है क्योंकि मेरा एम लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने किया है तो एक बेस तो बना हुआ था पोलिटिकल साइंस का और आपको uh, एंटेंस थी उस सब्जेक्ट से लेकिन uh, क्योंकि आपको जब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी होती है तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपको आपके पास टाइम बहुत कम होता है आपको पढ़ने का बहुत मन करेगा मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा था तो uh, बहुत सारी बुक्स पहले पढ़ी हुई हैं एंड्री हुएड की ग्लोबल uh, पॉलिटिक्स है और uh, लक्ष्मीकांत तो आती ही और भी बहुत सारी बुक्स हैं ऑक्सफर्ड की है लेकिन आपके पास इतना टाइम होगा नहीं अगर आपका मेन्स होगा तो तो मैंने एक शुभ्र रंजन मैम के नोट्स आते हैं आई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं तो मैंने उनको यूज़ किया था लेकिन यू और यू के जो पोलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें थोड़ा डिफरेंस है कुछ पॉइंट्स अलग से आ जाते हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे तो मैंने उनको गूगल किया था उनके खुद के नोट्स बनाए थे और जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो मैंने उनसे कवर किया था जी मैम मैम जैसे कि तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं मान लीजिए मोटिवेशन का फैक्टर होता है तो मतलब मोटिवेशन के लिए आपने आप क्या चीज़ें फॉलो करती थी देखिए मोटिवेशन के लिए आपको सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है आप सुबह से शाम तक पढ़ते हैं तो जब आप बोर हो जाते हैं मेरे लिए मेरा जो मोटिवेशन था मैं निकल के आती थी अपनी मम्मा के पास बैठती थी जब भी बोर होती थी जब भी लगता था बहुत ड्रेंड आउट फील हो रहा है तो प्रेपरेशन के दौरान लोग बोलते भी हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं तो सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया नहीं तो मोस्टली अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया बात कर ली उन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया बहुत सपोर्ट किया मेरा बड़ा भाई जो खुद हाई कोर्ट में एक एडवोकेट है उसने बहुत सपोर्ट किया मेरा शायद सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा भैया ही रहा है उसने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और कभी लो फील होता था मैं उससे बात करती थी तो उसने हमेशा समझाया कि तुम कर सकती हो तुमसे हो जाएगा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो आ, मेरी फैमिली मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन थी तो मैम जैसे तैयारी के दौरान बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आप मतलब सोशल मीडिया को किस तरीके से देखते हैं तैयारी के दौरान ये कितना हेल्पफुल होता है देखिए हेल्पफुल भी है अगर आपने मीम्स वग़ैरह देख लिए या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख ली मुझे बहुत शौक था वेब सीरीज़ वगैरह देखने का तो मैं बीच बीच में देख लेती थी लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी होती थी तो मुझे याद है कि जब फिल्म होता था या मेंस होता था तो उसके पहले मैं अपना व्हाट्सएप वगैरह सब अनइंस्टॉल कर देती थी क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है लोग मैसेजेस करते रहते हैं नोटिफिकेशन आती हैं लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देख लिया कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग देख लिया कुछ फ़नी देख लिया तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके पढ़ाई का ही एक हिस्सा होता है एंटरटेनमेंट भी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप बोर भी हो जाएंगे आप बहुत ड्रेंड आउट हो जाएंगे तो बीच बीच में आप सोशल मीडिया यूज़ करिए लेकिन ये ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम उसमें नहीं वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आप यूज़ कर सकते हैं मैं फेसबुक भी कभी कभी मीम्स के लिए यूज़ कर लेती थी बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह चलता रहता था तो मैम जैसे कि एक टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है तो स्टार्टिंग में जब मान लीजिए स्प्रेंड तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसको आ, मतलब कुछ लोग बताते हैं कि पंद्रह पंद्रह बीस बीस घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आपको ऐसा क्या लगता है कितने घंटे की पढ़ाई स्टार्टिंग में सफिशेंट होती है देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रेजुअली स्टार्ट करें अगर आप शुरू शुरुआत ही पंद्रह घंटे बीस घंटे से कर देंगे तो आप तो मतलब कुछ ही दिन में एकदम से डिमोटिवेट हो जाएंगे और शुरुआत में ही नहीं बाद में भी आपको मेरे हिसाब से तो पंद्रह सोलह घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी की अगर आप कंसिस्टेंट हैं आप छः सात घंटे भी पढ़ रहे हैं पाँच छः घंटे भी पढ़ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है पढ़ने के बाद कि हाँ समझ में आया और पढ़ाई हो गई तो दैट इज़ सफिशेंट अगर आप बैठे हुए हैं बुक के सामने आपको समझ में ही नहीं आ रहा है और आप सोलह सोलह घंटे बुक के सामने बिता रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है वो फिर काउंटर इफेक्टिव हो जाएगा आपको वो वो करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से छः सात घंटे बहुत होते हैं जी मैम हमारा लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए तो जो नए स्टूडेंट मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग इनमें से तैयारी भी कर रहे हो तो उनके लिए आपका क्या मैसेज क्या सजेशन क्या सुझाव रहेगा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो पेशेंट रहिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चाहे यू हो चाहे यू हो ये एग्जामिनेशन पूरा पूरा प्रोसेस एक साल का होता है एक साल से ऊपर भी कभी कभी लग जाता है अगर कुछ कोर्ट केसेस वगैरह आ गए तो।, तो आपको एक साल का पूरा पूरा इसमें टाइम देना होगा कभी कभी उससे भी ज़्यादा लग जाता है अगर आपके दो तीन अटैम्प्ट हो गए तो पेशेंस रखिए पढ़ते रहिए बॉकडाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों की बात मत सुनिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उन लोगों से दूर रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं आपकी फ़ैमिली आपके फ्रेंड्स आप उनके साथ रहिए और जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं कि बहुत साल से पढ़ाई हो रही है कुछ हुआ नहीं ये वो तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है जब आप कुछ बन जाएंगे तो फिर वही भी लोग भी। चले भी आते हैं तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है आप खाली पेशेंस रख कर पढ़ाई करिए अच्छे से और उतना ही ध्यान आप अपने मेंटल हेल्थ पर भी रखिए क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आजकल बच्चे पढ़ाई करने के चक्कर में मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा स्टेक पर रखते हैं तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए जी मैम आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आशा करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड बहुत सारी जानकारी आप लोग को आप लोग को मिली होगी इस वीडियो से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी यानी कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारी जानकारी इसमें मिली होगी तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में तब के जय हिंद वंदे माता